हेलो एग्रीडियन हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज ऑफ फ्लोरिकल्चर सो बेसिकली काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है लाइक like, ट्रॉफी हो गया टोपियरी होगा इसमें क्या डिफरेंस होता है सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो सो सबसे पहले आता है आपका टोपियरी टोपियरी बेसिकली इज़ एन आर्ट ऑफ क्लिपिंग प्लान्टन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस सो बेसिकली हम uh, टोपियरी में जो श्रब्स होते हैं हम उनको क्लिप करके यानी कि उसमें ये प्रूनिंग ऑपरेशन करके प्लांट्स को हम अलग अलग शेप या फिर साइज़ प्रोवाइड करते हैं इनको बोलते हैं टोपियरी इनका पिक्चर मैं आप लोग को एक बार शो कर देती हूँ ओके तो आप लोग जैसे इसने पिक्चर में दिख रहा है जो इसमें जो भी ट्रीज़ है ये नेचुरली ऐसे नहीं हुए हैं इनमें इसमें प्रूनिंग ऑपरेशन हुआ है इसीलिए आप लोग को प्लांट्स जो हैं इसमें अलग अलग शेप के दिख रहे हैं जैसे कि आपको इसमें ट्राइंगल दिख रहा होगा और ये जो अलग अलग शेप है ये भी दिख रहा होगा तो ये एग्जाम्पल है आपका टोपियरी का इसके अलावा हम इसमें अलग अलग जो मोन्यूमेंट्स होते हैं काफी एनिमल्स का शेप का भी इसमें टोपियरी ये बनता है तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके टोपियरी के सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये आता है दैट क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक प्लांट में कि हम लोग उसको एज अ टोपियरी यूज़ करें तो सबसे पहले आता है कि जो भी प्लांट हम लोग ऐसा टोपियरी के लिए यूज़ कर रहे हैं इनकी जो ब्रांचिंग हैबिट है बहुत ही विग्रस होनी चाहिए या फिर बहुत ही डेंस होनी चाहिए दूसरा चीज़ ये है कि जो भी प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं उनके जो लीव्स होते हैं बहुत ही है छोटे होने चाहिए इट शुड हैव स्मॉल लीव्स ठीक है थर्ड पॉइंट क्या आता है कि इट शुड बी ऑफ हार्डी नेचर ठीक है हार्डी नेचर इसलिए कि उसमें कंटिन्यू जो भी प्रूनिंग ऑपरेशन है अगर उसमें कंटिन्यू हो रहा है तो वो जो भी ऑपरेशन है उसको वो ईजली विथ स्टैंड कर सके इसीलिए वो हार्ड नेचर का होना चाहिए फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट ये एवर ग्रीन प्लांट ही इसमें ऑलवेज यूज़ होता है डेसीडियस का इसमें यूज़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर एक ड्यूरेशन के बाद में उनकी जो लीव्स होंगे वो झड़ना वो शुरू हो जाएंगे वो डोमिनेट वो फॉर्मेंट कंडीशन में वो चले जाएंगे तो उस चीज़ में जो प्लांट होगा जो भी आपका टोपियोरी होगा वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा तो इसीलिए हम लोग हमेशा एवरग्रीन प्लांट्स का ही यूज़ करते हैं टोपियरी खाने में सेकेंड चीज़ ये आता है ये है ट्रॉफी सो ट्रॉफी इज बेसिकली ग्रोइंग ऑफ एनिमल्स और हर्बेशियस पेरनियल प्लांट्स अराउंड अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट और ये जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है ये कोई भी लाइक पिलर हो सकता है या फिर कोई भी आ, कोई भी ट्री हो सकता है ठीक है तो ट्रॉफी का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करो कि ये वाला जो है लाइक ये किसी का ट्री है ये कोई सब भी एक, अट्रैक्टिव एक ट्री है ये हो गया कोई सेंट्रल ऑब्जेक्ट ये एक ट्री है ठीक है इसके सराउंडिंग में ठीक है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जब हम लोग कोई भी एनिमल्स या फिर कोई भी हर्बेशियस पेरनियल प्लांट जब इसके सराउंडिंग में ग्रो करते हैं ये पूरे सराउंडिंग में ग्रो हो गया अलग अलग लेवल्स में ग्रो हो गया जैसे कि एक लेवल हो गया ये हम लोग इसमें दूसरा लेवल यूज कर लिए ये इसके पूरे सराउंडिंग में जब हम लोग ट्रीज को मतलब कोई भी ऐसे एनिमल्स हो गया हाइक like फ्लॉक्स हो गया जरबेरा हो गया ये सारे प्लांट्स को जब हम लोग इसमें ग्रो करते हैं इनके सराउंडिंग में तो वो होता है ट्रॉफी सो so, ट्रॉफी के लिए हम लोग जितने भी सीजनल uh, एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ होता है प्लस इसमें पेरनियल हर्बेशियस पेरनियल यानी कि जैसे आपको जलबेरा हो गया इनका यूज़ भी uh, इसको एज अ uh, uh, किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के अराउंड में आप लोग इसमें कर सकते हैं अगला आता है इसमें टेरिरियम थर्ड है टेरिरियम सो टेरियम इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन अ स्मॉल जार और बॉटल सो टेरियम में बेसिकली हम लोग लिविंग प्लांट्स का इसमें मोस्टली यूज होता है लिविंग प्लांट्स में uh, इनका यूज होता है इसीलिए हम लोग इसको अ काइंड ऑफ मीनिएचर गार्डन भी से बोल सकते हैं टेरियम जो होता है हम लोग uh, ये बेसिकली दो टाइप का होता है एक होता है ओपन जार और एक क्लोज जार जैसे मैं आप एक बार पिक्चर में शो कर देती हूँ जैसे आप लोग इसमें दिख रहा है ये वाला जो है ये है क्लोज जार ठीक है ये बंद वाला टेरियम है ठीक है आ, जो इनका जो भी आ, ये ऐप है ये ओपन होता है आप लोग इसको वीकली या फिर मंथली फेसिस में ये ओपन आप लोग ये ये आ, ये कर आप लोग ये सकते हो इसके अलावा जो भी इसमें प्लांट्स का यूज हुआ आप लोग को दिख रहा होगा वो सारे लिविंग हैं ठीक है ये हो गया क्लोज इसके अलावा ये जो है इसे बोलते हैं ओपन टेरियम ठीक है ये है ओपन टेरिम इनका जो भी आ, वो भी आउट रहता है वो हमेशा ओपन रहता है तो इसे हम ओपन टेरेरियम बोलते हैं ठीक है टेरियम बनाना बहुत सिंपल है आप लोग इसमें आप लोग को दिख रहा होगा इसमें अलग अलग लेयर्स इसमें रखा हुआ है तो नीचे वाले लेयर्स में कुछ ऐसे पत्थर या फिर कुछ ऐसे स्टोन्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं उनका यूज़ होता है उसके ऊपर आप लोग सैंड का यूज हो सकता है एज अ सेकेंड लेयर थर्ड लेयर में जितने भी कंपोस्ट होते हैं उसमें आप लोग वर्मी कंपोस्ट भी उसमें यूज़ हो सकता है उसके ऊपर डालते हैं देन उसके ऊपर जितने भी आपको ये प्लांट्स हो गए लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी सर्कुलेंट्स हो गए या फिर फिटूलिया हो गया या फिर हॉसस हो गया ये सारे प्लांट्स को आप लोग इसमें एज ए डेकोरेट करके एक टेरियम में आप लोग इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं पानी जो इसमें होता है आप लोग इसको स्प्रे के थ्रू में इसमें पानी को स्प्रिंकल करना चाहिए ये हो गया आपका टेरेरियम अगला आता है इसमें हेज और एज हेज और एज में काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है पहला है अपन इसमें देखते हैं पहले देखते हैं हेज सो बेसिकली हेज ऐसे प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे श्रब्स होते हैं जिनकी जो हाइट है वो एक मीटर से अधिक रहती है इनकी जो हाइट होती है एक मीटर से अधिक की रहती है प्लस इनको हम लोग एज अ फेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं इसके अलावा ये एज अ ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी इनका यूज़ है लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं पिक्चर में एक बार शो कर देती हूँ जो हैज है ये कुछ ऐसा दिखता है ठीक है आप लोग ये आ, किसी भी अगर आप लोग गार्डन में विज़िट किए होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें दिखती हैं तो ये जो ये वाला जो जो फांड आप लोग को दिख रहा होगा जो एक एल ट्रिम्ड है एल प्रूव्ड है इनको बोलते हैं हेड जैसे आप को इसमें दिख रहा होगा ये वाला जो है ये हेज है ठीक है इसमें आप लोगों को ये वाला जो दिख रहा होगा इसे बोलते हैं हेज ओके नेक्स्ट इज एज द फिफ्थ एज सो so, जो एज होता है ये हेड्स uh, के कंपैरिजन में इनकी जो हाइट रहती, like रहती है वो थोड़ी सी छोटी होती है लाइक फॉर एग्जांपल इनकी जो हाइट रहती है वो ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर हाइट के रहते हैं ये लो ग्रोइंग पेरनियल प्लांट्स होते हैं और इट इज़ यूज्ड फॉर बॉर्डर ऑफ प्लॉट्स किसी भी प्लॉट या फिर किसी प्लांट्स को एज अ बॉर्डर देने के लिए इनका यूज़ होता है जो एज होते हैं बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं एक होता है लिविंग जिसमें हम लोग ऑब्वियसली प्लांट्स का यूज होगा एक होता है नॉन लिविंग नॉन लिविंग में हम लोग एज एड में ब्रिक्स का यूज करते हैं टाइल्स का यूज होता है स्टोन्स का यूज होता है एक्सेट्रा तो इन सब चीजों का इसमें हम लोग यूज करके एज का यूज कर सकते हैं अब इनके पिक्चर में आप लोग देख लीजिए आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को जो इसमें चीजें दिख रही हैं ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा आप लोग को दिख रहा होगा ये बहुत ही लो ग्रोइंग है और उनके उस आर में जितने भी जो फ्लावर्स है वो पूरे ग्रो किया गया है तो उनको एज अ बाउंड्री थेने के लिए बॉर्डर थिकने के लिए जितने भी लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं एज ये होता है एज इसमें सारे लिविंग प्लांट्स का यूज हुआ है इसके बाद एक आता है नॉन लिविंग जो तो uh, जो ऑन लिविंग एज आप लोग इसमें दिख रहा होगा कि इसमें ब्रिक्स का यूज़ हुआ है ये वाला जो एरिया है ठीक है ये ऑन लिविंग है और इसको भी एज अ जितना भी इसमें आपका जो भी एक हार्डन वाला हिस्सा है इसमें फ्लावर्स ग्रो किए हुए हैं तो आ, इनको एज अ बाउंड्री लेने के लिए या फिर इनको आ, ये हॉर्न से अलग करने के लिए जो भी ये बाउंड्री है इनका यूज हुआ है इसको बोलते हैं नॉन लिविंग एज इसका और एक एग्जाम्पल आप लोग को पिक्चर में शो कर देती हूँ ये ठीक है ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं एज ओके सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू